इंडिया टीवी पर आज राम रहीम के गुनाहों की पूरी कुंडली खुलेगी। उन गुनाहों की गवाही देगा राम रहीम का सबसे बड़ा राजदार, जो 6 साल तक डेरे में रहा राम रहीम का सेवादार, जो राम रहीम के एक एक जुर्म का चश्मदीद है, जिसने अपनी आंखों से देखी है राम रहीम की अय्याशी, वो राजदार जिसे डेरे के चप्पे चप्पे का पता है, जो डेरे की भीतर की एक एक हलचल के सारे राज जानता है। आज वही राजदार खोलेगा राम रहीम के कुकर्मों का कच्चा चिट्ठा। वही राजदार बताएगा कि अपनी सीक्रेट गुफा में कैसे कैसे कुकर्म करता था राम रहीम, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस जुर्म के बारे में आपने सिर्फ सुना होगा, उसे इस राजदार ने अपनी आंखों से देखा। राम रहीम के खिलाफ गवाही देने आ रहे हैं गुरुदास सिंह तूर, राम रहीम के पूर्व सेवादार। और गुरदास सिंह तूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरदास वही शख्स हैं जो कि 1996 से लेकर 2002 तक डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम के सेवादार रहे। गुरदास जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, कहा जाता है कि डेरा में राम रहीम की एक सीक्रेट गुफा थी जहां पर वो अय्याशी करता था, इस बारे में क्या जानकारी है आपको? गुफा शायद आप गूगल के अंदर सर्च करके उस गुफा का मैप ले सकते हैं, उसमें देखेंगे कि एक तरफ सीधा जो गुफा थी, उसके बिल्कुल साथ लड़कियों का कॉलेज और स्कूल था, और वहीं से जो रास्ता जाता था उस पे पैरा लेडीज़ देती थी, लड़कियां देती थी। वो जो लड़कियों का चयन इस तरीके से किया जाता था कि लड़कियां पहले गुरमीत रामरी में एक या दो लड़कियों को सिलेक्ट कर लेता था कि उनको बुलाना है, तो उनको सेवा पे नंबर 1 आई है, सिमरन के अंदर बहुत बढ़िया किया है, तो इनमें से आप 10 लड़कियों को बुलाया गुरमीत रामरी ने। सो वो वहाँ पर उसका गुरमीत रामरी के पास ले जाकर फिर उनका नंबर निकालता करता भी, ये इसका ये पहले नंबर पर आई है, ये दूसरे नंबर पर आई है। फिर उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताने के लिए भी इनके साथ हम ज़्यादा टाइम बताएंगे क्योंकि ये पहले नंबर पे आई है, तो इस तरीके से उनके साथ वो पिक करता था उन लड़कियों में। तो साहब, आपको क्या उस दौरान किसी साध्वी ने, यहाँ राम रहीम की किसी महिला अनुयायी ने बताया कि उनके साथ गुफा में शोषण किया जा रहा है, आपको कब पता चला? बिल्कुल कुछ साधवियाँ, जैसे क्योंकि हम डेरे के अंदर साधु और साधवियाँ बहन भाई की तरह रहते थे, जब ये चीज़ें आई तो मैंने उसको देखने के लिए, मैं और मेरी वाइफ अक्सर मिलने के लिए जाते थे, लेकिन सभी ने नहीं, लेकिन कुछ साधवियों ने एक एक करके डिटेल, मतलब इतनी वो उनके अंदर ये बात दर्द था, उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन ये बाद में कहा कि हम
बोल इसलिए नहीं सकती क्योंकि गुरमीत राम रहीम जो है वो बहुत ताकतफुल है, वो कुछ भी करवा सकता है। और दूसरा, हमारे माँ बाप की इज्जत के बचाव के लिए वो बोलने से मना करती रही है। जिस साध्वी की शिकायत पर राम रहीम को सजा हुई, उसने खुलासा किया था कि राम रहीम गुफा में अश्लील फिल्मों की सीडी रखता था। आपको इस बारे में किसी साध्वी ने बताया था या आपको कोई जानकारी है इस बारे में? नहीं, मैंने ब्लू फिल्म वगैरह नहीं देखी, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि गुरमीत राम रहीम अक्सर दुनिया को बोलता कि हम टेलीविज़न नहीं देखते, ये नहीं देखते। गुफा के अंदर एक पूरा के पूरा ऊपर जो गोल गुफा होती थी ढका होता था। एक बार जब हम टीप करने गए वहाँ पे, तो अब हमने देखा कि ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है छतरी नुमा। सो फिर जैसे आदत होती है कि कुछ ना कुछ क्रियोस्टी होती है कुछ ना कुछ देखने की, सो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे छतरी लगी हुई थी जो लोगों को ये कहता था कि टीवी नहीं है, जबकि वहाँ पे छतरी लगी हुई टीवी एंटीना वहाँ पे छतरी के रूप में दिखाई देता था। अंदर अंदर की तरफ से जब छत के ऊपर चढ़ के देखते थे तब दिखाई देता था। अच्छा, ये बताइए तूर साहब कि राम रहीम की अय्याशी में डेरे की सेवादार महिलाओं की भी भूमिका होती थी क्या? बिल्कुल, गुमनाम चिट्ठी में भी जिक्र है। तो कुछ लड़कियां ऐसी चुन के रखी थी जो उनको पहले ट्रेन करती, परमात्मा का नाम का वास्ता देती और ये कहती कि जो परमात्मा खसम है, सारे जो बाहर जो शादी होती है वो हस्बैंड प्रॉपर नहीं है, हमारा जो खसम का मतलब हस्बैंड होता है ये खसम है। और इस तरीके से उनको प्रेरित करते थे एक एक चीज़ को दिमाग में रख के कि आपका आपसे तन मन धन इसी का ही है और जो भी चीज़ अगर ये किसी भी तरीके से कुछ भी करते हैं तो इसी का है सब कुछ, ये चीज़ बताई जाती थी। अच्छा, ये बताइए कि राम रहीम के साथ एक लड़की हमेशा साय की तरह दिखती रही, हनीप्रीत नाम है उसका। हनीप्रीत दुनिया की नजर में राम रहीम की गोद ली हुई बेटी बताई जाती है। राम रहीम का अपना भी परिवार है, अपने भी बेटियां हैं, बेटा है। आखिर राम रहीम हनीप्रीत को इतनी तवज्जो क्यों देता था? बिल्कुल बिल्कुल, ये विश्वास गुप्ता की उस बात को मोहर लगाता है जिसके अंदर जब उसकी अपनी बेटियां हैं, जब उसका बेटा है, जब उसके और रिलेटिव हैं, उनकी बजाय सिर्फ हनीप्रीत को लेके जा रहा है, तो ये उसकी बात को मोहर लगाता है कि जो वो बात कह रहा है कहीं ना कहीं वो कुछ इसके साथ मिलती जुलती नज़र आती है जी। अच्छा, एक और नाम सामने आता है, ब्रह्मचारी विपसना। ये विपसना कौन है? राम रहीम के डेरे में इसका क्या रोल है? राम रहीम के साथ उसके किस तरह के रिश्ते हैं, आप बता पाएंगे? ये मैं इसके रिश्ते के बारे में और ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि विपसना वहां की हेड है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की और ये काफ़ी टाइम से वहाँ पे जुड़े हुए हैं डेरे के साथ। और उसके साथ क्या कैसे बनाया क्या नहीं ये नहीं ज़्यादा जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि जब एक बार गुरमीत राम रहीम एक गाड़ी जो बिना एक ही नंबर से 6 गाड़ियाँ की न्यूज़ आपने चलाई थी, तो एक जो एंकर थे उनका आदित्य के साथ झगड़ा हुआ था और एंकर ने ये बात कही थी कि आपको लेडीज़ के साथ बोलने की अकल नहीं है। सो उसके बाद जो डॉक्टर आदित्य के साथ जो वाक्य हुआ, फिर इन्होंने सलाह करके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे आदमी की जगह उस लड़की की ड्यूटी लगा दी थी जी। राम रहीम के जेल जाने के बाद अब बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, अटकलें लग रही हैं कि राम रहीम का वारिस कौन होगा। कोई कह रहा है कि शायद हनीप्रीत होंगी, कोई विपासना की बात कर रहा है। आप तो इतने साल डेरे में सेवादार रहे, आपको क्या लगता है कौन होगा वारिस? ये वारिस वाला मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि गुरमीत राम रहीम जब तक जिंदा है तब तक गिद्दी इसी की है और ये आगे किसी को नहीं देगा। राम रहीम को 10 साल की सजा आज कोर्ट ने सुनाई है, लेकिन उसके कई ऐसे राजदार हैं जो बहुत पहले से उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। राम रहीम के गुनाहों को लेकर उसके पूर्व सेवादार गुरदास सिंह तूर ने ब्रेक से पहले हमारे साथ कई खुलासे किए। तूर हमारे साथ बने हुए हैं। तूर साहब, ऐसी भी खबरें सामने आई कि राम रहीम डेरे के अंदर काम करने वाले करीब 400 साधुओं को नपुंसक बना चुका है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपने कभी ऐसा देखा या सुना? बिल्कुल बिल्कुल, 2000 में मैं ये प्रकरण स्टार्ट हुआ था, मेरी प्रिंटिंग प्रेस में ड्यूटी थी और प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर छत पर एक हाल कमरा था जिसमें रात में ये लोग ऑपरेशन करते थे। डॉक्टर एमपी सिंह और डॉक्टर पंकज ये रात को ऑपरेशन करने आते थे और मैं देखता था इनको आते जाते हुए। और जब 3-4 दिन के बाद में जब वो लड़के चलने के लायक हो जाते, फिर वो जब प्रिंटिंग प्रेस से आगे से होके गुजरते थे तब उनके टांगें जो चोड़ी करके चलते थे
उनको दर्द होती थी चलने में। सो ये चीज बिल्कुल क्लियर है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये बड़ी हैरान करने वाली जानकारी आप दे रहे हैं तूर साहब। ये बताइए कि राम रहीम इन साधुओं को, लड़कों को नपुंसक क्यों बनाता था, इसके पीछे क्या खेल था? बिल्कुल, ये कारण इसलिए कि पहले जो राजे महाराजे थे वो जब रानियों की फौज रखते थे तो उनकी पहरेदारी के लिए खुसरे रखते थे अपने पास। गुरमीत राम रहीम ने उन्हीं साधुओं को अपाहिज करके, उन्हीं जो साधवियाँ जिनके साथ ये कुकर्म करता था उनको उन्हीं के यहाँ पे पहरेदार के पास लगा दिया। खुद को राजा समझता था और पूरी अपनी उस तरह की इच्छाएं पूरी करना चाहता था। यह भी सुना गया है कि डेरे में साधुओं या साध्वियों की निगरानी के लिए और उनको धमकाने के लिए राम रहीम ने गुंडों का एक बकायदा गैंग बनाया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे मन सुधार फोर्स बनाई थी MSF, वो बनाई थी साधुओं के लिए, और दूसरी तरफ साध्वियाँ के अंदर भी कुछ लड़कियां जो देखने में ताकतवर थी उनको भी कुछ ड्यूटियां देके भी, अगर कोई लड़की किसी के खिलाफ बोलती है या कुछ ऐसा करती है तो उनको सुधारने का के नाम पे उनको धमकाने का काम किया करती थी। आप कह रहे हैं कि राम रहीम ने इतनी सख्ती की हुई थी, तो फिर दो साध्वियों से बलात्कार की बात बाहर कैसे आ गई? लड़कियों ने कैसे ये हिम्मत जुटाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो साध्वियां वहां से छोड़ के घर जाती थी उनमें से किसी ने ये एक लेटर लिखा है और लास्ट में उसको लिखना पड़ा कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं गुमनाम, क्योंकि बाबा कुछ भी करवा सकता है। यही कारण है, अगर उनको वो डर नहीं होता तो वो अपना नाम लिखती, और वो जो दो साध्वी हैं उन्होंने वो लेटर नहीं लिखा, लेटर लिखने वाली कोई और लड़की है, उसका ना जाने है भी या नहीं, इन्होंने ख़त्म करवा दिया है। क्योंकि गुरमीत राम रहीम को ये पता था कि मैंने किसके किसके साथ क्या क्या किया है, जो लेटर की वर्डिंग है उससे गुरमीत राम रहीम को आसानी थी उसको ढूंढने के लिए, इसीलिए वो गुमनाम वाली लड़की अब तक सामने नहीं आई। बिल्कुल, आपने उस समय आवाज़ उठाई जब शायद बहुत कम लोगों ने हिम्मत की राम रहीम के खिलाफ बोलने की, तो आपने इस पूरे खुलासे को सामने रखने में एक बड़ा रोल अदा किया। बहुत बहुत धन्यवाद तूर साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू जी।